नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौम्या है और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 30x50 फीट का हाउस प्लान। तो ये आपका रहने वाला है G+1 प्लान प्लस इंटीरियर लेआउट। G+1 का मतलब ये होता है कि मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर आपका जो ग्राउंड फ्लोर का प्लान रहने वाला है उसको डिस्कस करूंगी, देन आपका जो फर्स्ट फ्लोर का प्लान रहने वाला है उसको डिस्कस करूंगी, देन इंटीरियर लेआउट, जिसका मतलब ये होता है कि आपके प्लॉट में जो आपका प्लान बन के रेडी होगा उसमें कहाँ पे आपको अपना बेड सेट करना, कहाँ पे आपको अपनी अलमीरा लगानी, कहाँ पे अपना कबर्ड, कहाँ पे अपना टीवी यूनिट, कहाँ पे अपना सोफा सेट करना है। सो इसका मैं आपको एक इंटीरियर लेआउट भी दूंगी। प्लस इसमें आपको कार पार्किंग भी मिलने वाली है। 3 BHK का हाउस प्लान रहने वाला है और आपको बता दूं कि इसका फ्री PDF भी प्रोवाइड किया जाएगा। आप मुझे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसका PDF भी वैसे मैं आपको लिंक में दे दूंगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने बहुत सारा प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। और अगर आप हमारे न्यू यूज़र हैं और अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिलते रहें। तो दोस्तों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं अपने ग्राउंड फ्लोर प्लान पर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपने प्लॉट एरिया यानी एरिया डिटेल को प्रॉपर समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ आपका प्लॉट एरिया होता क्या है। तो प्लॉट एरिया हम उसे कहते हैं जब हम कोई भी प्लॉट खरीदते हैं तो उसका जो एरिया होता है ओवरऑल, यानी कि जो हमारा कंस्ट्रक्शन एरिया होता है जहाँ पे हमारी प्लिंथ बीम पड़ती है, वो हमारा प्लॉट एरिया कहलाता है। दूसरा हमारा है यहाँ पे बिल्टअप एरिया। सो बिल्टअप एरिया किसे कहते हैं? जहाँ हमारी स्लैब पड़ती है। तो स्लैब हमारी कहाँ कहाँ नहीं पड़ती है, जैसे कि हमारे स्टेयर जहाँ बनती हैं उसके ऊपर स्लैब नहीं डाली जाती, जहाँ पे हमारा OTS होता है यानी आंगन होता है वहाँ स्लैब नहीं पड़ती है। सो इन पोर्शन को हम माइनस कर देंगे। जैसे हमारी पार्किंग हो गई, यहाँ भी हम लोग स्लैब नहीं डालते हैं। देन अब हम लोग आते हैं सुपर बिल्टअप। तो सुपर बिल्टअप एरिया इसको कहते हैं एट टोटल फ्लोर ऑफ कंस्ट्रक्शन। जो हमारी टोटल फ्लोर जिसपे हम अपना कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं उसे हम लोग सुपर बिल्टअप कहते हैं। अब हमारा 4th नंबर पे है वॉल एरिया। जो हमारी ओवरऑल वॉल है उनका जो एरिया कंक्लूड होके आता है उसे हम वॉल एरिया कहते हैं। देन बात करते हैं कारपेट एरिया। सो कारपेट एरिया हमारा जो बिल्टअप एरिया होता है, ये जो यहाँ पे हमने बिल्टअप एरिया निकाला है उससे हम अपने वॉल के एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारा कारपेट एरिया आ जाएगा। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आते हैं अपने ग्राउंड फ्लोर के प्लान पे। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे आपका प्लॉट 23x50 फीट में है। जैसा कि मैंने आपको जो आपकी एरिया की डिटेल थी उसमें आपको पूरा समझा भी दिया है, प्रॉपर एक्सप्लेन भी कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही आप अपने घर के बाहर से घर के अंदर एंट्री करेंगे तो यहाँ पे आपको 10 फीट का गेट देखने को मिलेगा जो कि आपका होता है मेन गेट। जैसे ही आप अपना मेन गेट ओपन करते हैं आप अपनी बालकनी में एंटर करते हैं। आपकी बालकनी भी अच्छी खासी दे रखी है जो कि है 10 फीट बाय 15 फीट। 10 यानी कि आपका 10 इसकी जो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है और 15 इसकी वर्टिकल। जैसा कि मैं आपको दिखा देती हूँ, ये आपकी वर्टिकल डिस्टेंस है जो कि 15 फीट है। देन अब हम लोग इधर देखेंगे साइड में कि यहाँ पे मैंने एक लॉन दे रखा है जो कि आपका लॉन आ रहा है निकल के 11 फीट 6 इंच बाय 5 फीट, यानी 11 फीट 6 इंच यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है और 5 फीट आपकी वर्टिकल डिस्टेंस है। सो दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ही आपकी पार्किंग के आगे आप आएंगे थोड़ा सा बढ़ के तो आपको एक दरवाजा यानी कि आपको एक डोर मिलेगा जिसका साइज रहने वाला है 3 फीट 6 इंच। तो जैसे ही आप अपने डोर को ओपन करेंगे आप अपने एक सिट आउट एरिया में एंटर करेंगे। सिट आउट एरिया जो हमारे क्लाइंट थे उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया गया है। उनका कहना ये था कि उनको अपने घर के बाहरी साइड के पोर्शन में एक एरिया चाहिए जहाँ बैठ के वो न्यूज़पेपर पढ़ सकें। सो इसको आप अपने अकॉर्डिंग डेकोरेट करा सकते हैं। यहाँ पे आप अपना स्लाइडिंग डोर लगा सकते हैं या फिर आप ऐसे इसको खुला रख सकते हैं। यहाँ पे आप पैनल या ग्लास वर्क करा सकते हैं जिसका साइज निकल के आ रहा है 6 फीट बाय 5 फीट 4.5 इंच। अच्छा खासा एरिया है। देन जैसे हम अपने सिट आउट से थोड़ा आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको एक पार्टीशन मिलेगा। यहाँ पे मैंने दरवाजा नहीं दे रखा है। लोग यही गलती करते हैं, जगह जगह पे दरवाजे देते हैं, हमारी कॉस्ट भी बढ़ती है। सो जहाँ पे ज़रूरत हो वहीं दीजिए। यहाँ पे हम अपना वुडन वर्क से एक पार्टीशन वॉल दे सकते हैं जो कि हमारा देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा और घर का व्यू भी बेहतरीन आएगा और उसी कॉस्ट में हो जाता है लगभग। सो जैसे हम इंटर करेंगे आप देखेंगे कि आप अपने डॉयनिंग प्लस ड्राइंग एरिया में इंटर करेंगे, जो अच्छा खासा एरिया आपका निकल के आ रहा है, जो कि आपका 21 फीट 6 इंच बाय 11 फीट है। सो आपको अच्छा खासा पूरा जगह मिल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको यू शेप में स्टेयर मिल रही है। जस्ट स्टेयर के बीच में ही ये आपका आंगन रहने वाला है, यानी आपका ओटीएस है। इसी के नीचे मैंने आपकी डाइनिंग टेबल डाल के रखी, यानी आप पूरा एरिया इसको कवर कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। आपका कुछ भी एरिया वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से आपकी स्टेयर तो राइज हो जाएंगी, नीचे का सारा पोर्शन आप यूज़ कर सकते हैं। देन इधर आप अपना सोफ़ा डाल सकते हैं, आपका अच्छा खासा सोफ़ा डालने के लिए बढ़िया जगह निकल के आ रही है। देन अब हम चलते हैं अपने किचन की ओर। यहाँ पे भी देख रहे होंगे मैंने वुडन का पार्टीशन दे रखा है। देन अब हम लोग आते हैं अपने किचन में। किचन आपका 10 फीट 9 इंच बाय 8 फीट 10.5 इंच का है। काफ़ी अच्छा किचन निकल के आ रहा है, काफ़ी बड़ा किचन है आपका और ओपन किचन है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी दरवाज़ा नहीं लगा हुआ और जस्ट किचन से अटैच ही मैंने स्टोर दे रखा है। ये आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा कि आप अपना स्टोर रूम में अपना सारा सामान रहता है, यहाँ पे आप इजीली रख सकते हैं, जो कि आपका 6 बाई 5 फीट का है। अब किचन के वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे मैंने एक विंडो दे रखा और यहाँ पे एक विंडो मैंने दे रखी है। अब बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम चलते हैं अपने पहले बेडरूम में। ये आपका बेडरूम रहा, जिसका साइज यहाँ पे आप देख रहे होंगे 15 फीट 10.5 इंच बाय 12 फीट है, यानी कि काफ़ी बड़ा आपका बेडरूम रहने वाला है, जिसमें आप अपनी कबर्ड लगा सकते हैं, साथ में आप अपना बेड रख लीजिए, टीवी यूनिट और भी काफ़ी फ्री स्पेस आपको मिल रहा है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ आप देख रहे होंगे, यहाँ पे मैंने डिज़ाइन किया हुआ स्लाइडिंग डोर, यानी कि आप अपने बेडरूम से बाहर का यहाँ पे आप प्लांटेशन कर सकते हैं, चेयर डाल सकते हैं, बैठ सकते हैं, बाहर की चीज़ों का लुत्फ उठा सकते हैं। सो उसके लिए यहाँ पे मैंने स्लाइडिंग डोर दे रखा है, जिससे आप सिंपली अपना स्लाइडिंग डोर ओपन करेंगे और अपने बैकयार्ड में पहुँचेंगे। आपका बैकयार्ड का एरिया भी अच्छा खासा निकल के आ रहा है। पीछे जो है आप देख रहे होंगे 4 फीट 9 इंच वाइड है। सो इसका मैं आपको मेजरमेंट बता देती हूँ। ये आपका रहने वाला है 16 फीट 3 इंच बाय 4 फीट 9 इंच का। काफ़ी अच्छा एरिया निकल के आ रहा है। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपनी वॉशिंग मशीन भी रख सकते हैं, साथ में आप अपनी यहाँ चेयर रख लीजिए। अपने बेडरूम से जस्ट पीछे अपना स्लाइडिंग डोर ओपन किया और अपने बैकयार्ड में चले गए। यहाँ प्लांटेशन अच्छा लगेगा, हरा भरा रहेगा। देन आप देख रहे होंगे सबसे अच्छी बात यह है कि आपके बेडरूम से जस्ट अटैच ही मैंने वॉशरूम दे रखा है, और वॉशरूम भी काफ़ी बड़ा है, जो कि आपका 5 फीट 3 इंच बाय 8 फीट का है। अब बात करते हैं जो हमारे गेस्ट आएंगे उनका वॉशरूम यूज़ करने के लिए मैंने यहाँ पे वॉशरूम दे रखा है। वो लोग सिंपली यहाँ वॉशरूम ये वाला यूज़ करेंगे, जो कि आपका 5 फीट 3 इंच बाय 8 फीट का है। सो दोस्तों ये आपके ग्राउंड फ्लोर प्लान की डायमेंशंस रही। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर के प्लान पे। सो फ्रेंड्स ये आपके फर्स्ट फ्लोर का प्लान कुछ इस टाइप से है, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे प्रॉपर। चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। आप अपने ग्राउंड फ्लोर में दी हुई स्टेयर का यूज़ करते हुए आप अपने फर्स्ट फ्लोर में इंटर करते हैं। जैसे ही आप इंटर करेंगे आप देखेंगे कि आप 4 फीट वाइड लॉबी में इंटर करते हैं, यानी कि आपकी गैलरी रहने वाली है। सबसे पहले हम लोग बैक साइड के पोर्शन को समझते हैं। तो बैक साइड में आप देखेंगे यहाँ पे मैंने बेडरूम दे रखा है। यहाँ पे आपके जितने भी बेडरूम हैं उनसे अटैच मैंने वॉशरूम दे रखा है। सो हम लोग आते हैं अपने बेडरूम नंबर 2 पे, जो कि आपको मिलेगा 15 फीट 10.5 इंच बाय 12 फीट का। काफ़ी अच्छा खासा आपका बेडरूम का एरिया निकल के आ रहा है। जस्ट इसी से अटैच मैंने वॉशरूम दे रखा है, जो कि आपका 5 फीट 3 इंच बाय 8 फीट का है। सो यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे सबसे अच्छी चीज़ ये है इस हाउस प्लान की कि आपको फ्रंट और बैक दोनों साइड में बालकनी देखने को मिलेगी। बैक साइड में आप देखेंगे कि आपके बेडरूम से ही मैंने स्लाइडिंग डोर दे रखा है, जिसको ओपन करके आप अपने बालकनी में इंटर करते हैं। आपकी बालकनी यहाँ पे मैंने 6 फीट की दे रखी है। सो फ्रेंड्स ये आपका बेडरूम का रहा एरिया कुछ। अब हम चलते हैं अपने दूसरे बेडरूम पे, जो कि हमारा बेडरूम नंबर 03 होगा। ये आप देख रहे होंगे 10 फीट बाय 13 फीट 4.5 इंच का है। काफ़ी अच्छा खासा एरिया ये निकल के आ रहा है। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि इससे अटैच मैंने वॉशरूम दे रखा है। सो आपके इस वॉशरूम का जो साइज रहने वाला है वो 5 फीट 3 इंच बाय 8 फीट का है। सो ये भी आपका अच्छा खासा एक बेडरूम निकल के आ रहा है, जिसमें आप अपना बेड डाल सकते हैं, सामने टीवी यूनिट सेट कर सकते हैं, साथ में अपनी कबर्ड भी लगा सकते हैं। अब हम आते हैं अपने बेडरूम नंबर 04 पे। सो इस बेडरूम में आप देखेंगे कि आपका जो बेड है काफी अच्छा खासा मतलब एरिया आपका कवर कर रहा है। सो आप यहाँ पे इजिली एक अपना बेड डाल सकते हैं, साथ में एक टीवी, कबर्ड, अलमीरा जो भी आपको रखनी है आप रख सकते हैं, जो कि आपका 11 फीट 1.5 इंच बाय 10 फीट 3 इंच है। अब दोस्तों यहाँ से मैंने देखिए यहाँ पे कबर्ड के लिए यानी मैंने यहाँ पे ड्रेसिंग रूम दे रखा है। सो अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे ड्रेसिंग रूम दीजिए, अदरवाइज वॉशरूम। जो हमारे क्लाइंट थे उनकी डिमांड के अनुसार उनको यहाँ पे ड्रेसिंग रूम चाहिए था, सो मैंने यहाँ पे ड्रेसिंग रूम डिजाइन किया है। सो आपका ड्रेसिंग रूम का जो साइज है वो भी अच्छा खासा निकल के आ रहा है, जो कि मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे आपका ड्रेसिंग रूम है वो आ रहा है 6 बाई 5 फीट का, यानी अच्छा खासा आपका ड्रेसिंग रूम निकल रहा है। अब हम इस बेडरूम से चलते हैं अपनी बालकनी ओर। तो सबसे पहले ये हमारा यहाँ पे मैंने डोर दे रखा है, इस डोर को ओपन करते हैं और हम अपनी बालकनी में आ जाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे होंगे मैंने एक वॉशरूम बाहर भी दे रखा है, यानी जिन लोगों को बाहर बैठे हैं या वॉशरूम यूज़ करना है सो ये लोग यहाँ पे इजीली वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं। देन अगर आप यहाँ पे ड्रेसिंग रूम बना रहे हैं 0 बेडरूम 0 नंबर 4 पे, सो अगर आपको वॉशरूम यूज़ करना है तो ये आपके पास भी रहेगा, सो आप इस वॉशरूम को इजीली यूज़ कर सकते हैं। सो ये आपकी बालकनी का एरिया निकल के आ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि बालकनी आपकी 4 फीट 9 इंच का मैंने इधर का वाइड आपकी बालकनी दे रखी है। सो आपका बालकनी का भी अच्छा खासा एरिया निकल के आया है। सो दोस्तों ये आपके फर्स्ट फ्लोर का प्लान रहा। आशा करती हूँ ये आपको पूरी तरीके से समझ में आया। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो रहा है तो आप मुझे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, अदरवाइज मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई देती हूँ। आशा करती हूँ दोस्तों आपको वीडियो पूरी तरीके से समझ में आई। सो अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए ताकि मैं आपके लिए आगे अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।